को वोट करेंगे। आप इतने अरसे से जो है वो जेल में हैं, तो इस हवाले से हुकूमत ने आपके साथ जो किया उस सिलसिले में आप जो है अपोजिशन को वोट देंगे या उन्होंने आपको कोई यकीनदानी कराई अगर उनकी हुकूमत आएगी तो आपके साथ जो है वो इंसाफ होगा? देखिए, जहां तक मेरे हवाले से या मुझे मालूमात है या मेरे हवाले से जो मेरे दोस्तों ने या उन्होंने जो मालूमात शेयर की है उस हवाले से हुकूमत भी कह रही है कि हम आपके मामलात में बेबस है और अपोजिशन ने भी कई बार कहा है कि हम आपके मामलात में बेबस है। साथ ही मैंने अभी बाहर मीडिया से ये बात करते हुए कही है कि देखिए मुझ पे बहुत किस्म के वक्ता फवक्ता मुझ पे इल्जाम जो है ना ये तब्दील होती रहती है। कभी कहते हैं कि जमीन की डिस्प्यूट का मसला है, कभी कहते हैं ट्रांसपोर्ट का मसला है, कभी कहते हैं इदारों के खिलाफ बोला जाता है, लेकिन मैं अदलिया के सामने वो कानून के एहतराम में खड़ा हूँ। अगर कोई ऐसी बात हो जो वो कहते हैं कि हम मैं खिलाफ वर्जी की है, बेशक मैं अदलिया के सामने खड़ा हो और साथ ही जेल में हो एक मुलजिम की हैसियत से, लेकिन इस तरह पर्सनल होना इदारों का मेरे हवाले से तो मैं कहता हूँ मैं इसको ज्यादती समझता हूँ और साथ ही ठीक है।